हेलो फ्रेंड्स, स्टेप अप ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। और अगर आप सब्सक्राइबर्स ही सपोर्ट करेंगे तो मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा, तो आप भी उससे कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है मैं आपको बताना चाहता हूँ वर्डल और या वर्ड क्लाउड्स के बारे में। शायद आपने इसके बारे में ना सुना हो, या सुना भी हो तो चलिए देखते हैं बनाते कैसे हैं। वर्ड क्लाउड्स एक ऐसी इमेज होती है जो बहुत सारे अक्षरों को मिलाकर एक बहुत ही सुंदर सी इमेज क्रिएट करती है, बहुत अच्छी अच्छी शेप्स में। जैसे कि मैंने उदाहरण के लिए नीचे दो इमेजेस दी हैं, एक हर्ट की शेप में है स्टेप अप ज्ञान जिसमें लिखा हुआ है, और एक फुटप्रिंट्स है जिसपे सब्सक्राइब माई चैनल लिखा हुआ। आप बहुत सारे वर्ड्स को इकट्ठा करके इमेजेस बना सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस इमेजेस को बनाने का फ़ायदा क्या है, या आप इसको यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको काफ़ी सारे वर्ड्स याद करने पड़ते होंगे, तो उस बहुत सारे लर्निंग वर्क को एक कस्टमाइज तरीके से एक वर्डल बना लीजिए और बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता होगा कि विजुअल मेमोरी इज़ द बेस्ट मेमोरी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। उसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने कस्टमर्स के अच्छे अच्छे फीडबैक्स का एक वर्डल बना लीजिए और अपनी वेबसाइट पे शो कर सकते हैं, और यूट्यूबर्स अपने यूट्यूब चैनल आर्ट पे दिखा सकते हैं। अदरवाइज़ फेसबुक तो सभी यूज़ करते हैं, तो आप अपने फेसबुक कवर पेज पे भी ये फ़ोटो आसानी से लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 3-4 वेबसाइट्स पता है मुझे, wordclouds.com है, wordle.net है, बट मैं आपको इनका रिव्यूज़ नहीं दे पाऊँगा या नहीं दूंगा, बिकॉज़ ये वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं है, इतना मज़ा नहीं आएगा। सो मैं आपको tagul.com के बारे में बताऊँगा, जिससे आप बहुत ही अच्छी से, बहुत ही आसानी से इस वर्डल को क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर जाना है, यहाँ पर लिखना है tagul.com। उसके बाद आपको टैगुल वर्ड क्लाउड आर्ट में जाना है और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, अगर आपने साइन अप नहीं किया हुआ, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइन अप कर दीजिए विद गूगल या फेसबुक, जैसा भी आप करना चाहे। मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं लॉग इन करूँगा। तो देखिए, ये तो मैंने पहले से क्लाउड बना रखे हैं तो इसलिए शो कर रहा है। अगर आपने तो नहीं बनाए होंगे तो आप क्रिएट न्यू वर्ड क्लाउड पर जाएंगे, यहाँ पे आपको क्लाउड क्रिएट करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको वर्ड्स लेने हैं जिन वर्ड्स से आप मिलाकर एक पिक्चर्स बनाना चाहते हैं। तो आप इंपोर्ट वर्ड्स में गए और यहाँ पर आपको वर्ड्स को पेस्ट कर देना है। मैंने एक पहले से ही फाइल बना रखी है, मैं आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने फाइल बना रखी है वर्ड्स की, प्रेस Ctrl+A, सारे सिलेक्ट हो चुके हैं, फिर Ctrl+C, कॉपी हो गए। और अब मेरे को उसी विंडो पे दोबारा जाना है, यहाँ पे मुझे पेस्ट कर देने हैं Ctrl+V। सारे वर्ड्स यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं, इंपोर्ट वर्ड्स पे क्लिक कर दिया, वर्ड्स इंपोर्ट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, ये सेटिंग जो साइज कलर एंगल की है, ये रैंडमली अपने आप उसने की हुई है, आप चाहें तो इसको नीचे से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप वर्ड्स के केस चेंज करना चाहते हैं तो अपर केस कर सकते हैं, लोअर केस, ये कैपिटलाइज ईच वर्ड, जैसा आपको सही लगे। वैसे तो ये भी बढ़िया लग रहा है। और अगर कोई वर्ड इसके अलावा ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से, और रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से, अगर सभी को हटाना है तो क्लियर ऑल। और नेक्स्ट आ जाते हैं शेप्स पे, आप कौन सी शेप इसको देना चाहते हैं। यहाँ से आप अपने मन मर्जी की इमेज भी लगा सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बाकी इमेजेस भी दे रखी हैं आपको, जौन सी पसंद आए। तो मैं आपको इसी की इमेजेस का एग्जांपल देके बताता हूँ। मैं यहाँ पर टॉयज की ले लेता हूँ, मैं ये वाली शेप ले लेता हूँ, ये अच्छी शेप है। फॉन्ट्स सिलेक्ट कर दिया, अब मेरे को फॉन्ट्स में जाना है। फॉन्ट्स अपनी मर्जी का आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, पैसिफिक रेगुलर। और लेआउट को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटो पे है, अपनी मर्जी से लेआउट लेगा, क्योंकि इसको शेप के अनुसार फिगर को कस्टमाइज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट पे आते हैं कलर एनिमेशन, ये भी आपकी शेप के अनुसार है, बाकी आप चाहे तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर, रोल ओवर टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, और एनिमेशन की स्पीड वगैरह जो भी चाहें आप चेंज कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं डाउनलोड एंड शेयर, यहाँ पे पहले हम क्रिएट कर लें इमेज, फिर हम आपको बताएंगे डाउनलोड कैसे करना है। तो विजुअलाइज सब मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैं विजुअलाइज पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया और ये इमेज को विजुअलाइज कर रहा है।
फ्रेंड्स, ये सबसे इजी वेबसाइट है यूज़ करने के लिए। देखिए, मैंने वर्ड ऐसा चूज़ मैंने जो फ़ॉन्ट ऐसा चूज़ किया था, थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, आप कोई और चूज़ कर लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ यहाँ पे आप बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, उसको फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब आती है बात, यहाँ पे इमेज को डाउनलोड कैसे करना है। तो वेक्टर इमेज वो इमेज होती है जो चाहे आप छोटी कर लें चाहे बड़ी कर लें, वो कभी पिक्सल्स उसके जो हैं फटेंगे नहीं। तो हमें तो PNG इमेज डाउनलोड करनी है, वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी की। उसके अलावा 4 मेगापिक्सल एंड हायर क्वालिटीज़ की भी हैं, लेकिन वो पेड वर्ज़न में है, हम फ्री वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप पेड ख़रीदना चाहते हैं तो इनका प्राइस प्लान देख सकते हैं यहाँ से, और पेड वर्ज़न ख़रीद सकते हैं। तो हम फ्री वर्ज़न में स्टैंडर्ड क्वालिटी ही डाउनलोड कर सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको इमेज डाउनलोड करके दिखाता हूँ। देखिए, आप इसको लोकेशन दीजिए कहाँ पर भी डाउनलोड करनी है। तो डेस्कटॉप क्लाउड 3 सेव, इमेज देखिए नीचे सेव हो चुकी है, और अब आप यहाँ से सेव चेंजेस कर सकते हैं। ये सेव चेंजेस करने से आपका जो है क्लाउड आपकी वेबसाइट पे भी सेव हो जाएगा, आप कभी भी इस इमेज को जाके एडिट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। सेव हो गया, तो अब आप यहाँ से बैक जाइए, कैंसिल डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। आप यहाँ से आप होम पे जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे हम बहुत आसानी से वर्ड क्लाउड जनरेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल स्टेप अप ज्ञान। और फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसी रोज़ नई नई वीडियोस ला के देता रहता हूँ और देता रहूँगा। आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि इमेज कैसी क्रिएट हुई है। देखिए, ये इमेज क्रिएट हुई है। थोड़े से वर्ड छोटे हैं, आप बड़ा कोई अच्छा सा फॉन्ट चूज़ कीजिए, बहुत अच्छी इमेज बन सकती है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात इस वेबसाइट की यह है कि ये बहुत ही इजी टू यूज़ है, क्योंकि बाकी वेबसाइट्स में बहुत सारे पंगे हैं, मैंने तभी आपको उनका एग्जांपल नहीं दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।